प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु के पवित्र हुजूरी में आते हैं और इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम लाइव हो सके। आप सभी का स्वागत करते हैं। एक छोटा सा सेशन आज की शाम, आज की रात आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। और आप सभी का, जितने फॉलोअर्स हमारे साथ अब तक बने हुए हैं, जुड़े हैं, सबके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस पेज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इसके फाउंडर ब्रदर आशीष के लिए और सारी टीम मेंबर्स के लिए, सबके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सारे सेशन को आप वॉच करिए, इस पेज को लाइक और फॉलो करिए। हालेलुया। और खुदावंद आपको बहुत ऐसे बरकतें दे। आमेन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के जो उत्तम वचन हमारे लिए होते हैं, जो हमें तसल्ली देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। भजन संहिता उसके 94 और उसकी 19 आयत में हम देखते हैं जहाँ पर लिखा है कि जब बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में आ जाती है, हमारे दिल में आ जाती है, तब परमेश्वर की तसल्ली हमारे जान को खुश करती है। हालेलुया। वो हमेशा हमारा साथ देता है और हमें तसल्ली देता है। उसके पहले की आयत को हम देखेंगे तो वहाँ लिखता है कि जब मेरे पांव फिसलने को थे तब उसकी करुणा ने मुझे थाम लिया। हमारा परमेश्वर नित्य हम पर करुणा करता है। हालेलुया। हमसे प्यार करता है, हमें शांति सुकून देता है। हालेलुया। सारी आशीषों का स्रोत यीशु मसीह है। आमेन। जब आप इस छोटे से सेशन को देखते हैं, हमारी इच्छा है, हमारी दुआ है कि प्रभु आप सभी को स्पर्श करे। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आमेन। आइए हम एक गीत को आपके सामने लेकर आते हैं जो कहता है कि तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। प्रभु हमारे प्रभु जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो गिरते हुए को थाम लेता है, उसकी करुणा थाम लेती है। क्यों ना हम प्रभु को आज दिल से पुकारें और उससे हम प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके तसल्ली की ज़रूरत है, आप आइए हमें थाम लीजिए। हालेलुया। आमेन। वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी जस्ट प्रेज यू फादर।
है भरोसा, हालेलुया, और तुझ पे ही है ईमान। तूने अपनी जान देकर, हालेलुया, हमें मोल लिया, ऐसा हमारा चौपान बन गया। कितना हमारा प्यार करने वाला खुदा है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। बनकर, हमारी तसल्ली बनकर हमारे साथ रहता है। जब हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर 16 आयत से हम देखेंगे, तो वहां पर लिखा है कि उसका जो टाइटल है, दुख का सुख में बदलना। पता है ऐसा क्यों टाइटल दिया गया है? क्योंकि जब यीशु अपने चेलों से वहां पर बातचीत कर रहा था, वो उनसे अपने मृत्यु के विषय में बात कर रहा था कि वो अभी तो संसार में है, लेकिन कुछ ही पल बाद, कुछ ही समय बाद वो इस संसार को छोड़कर जाएगा। जब वो सारी इन बातों को परमेश्वर यीशु अपने चेलों से बता रहा था, उन्हें समझा रहा था, तो वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या कहे जा रहा है। और इस बात को भी यीशु भांप लेता है कि वो लोग आपस में इस चीज़ को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह उनसे क्या कहना चाहता है। हम देखते हैं उसके 16वीं आयत में वो लिखता है, 16:16 में कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने हर एक शब्द जो उनसे कह रहा था उसके विषय में जानता था। हालेलुया। लेकिन चेले अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद में यीशु मसीह उनसे डायरेक्ट और अच्छे तरीके से उन्हें समझाने लगता है। जब हम आगे की आयतों को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। उसके 28वें पद में हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ और मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। डायरेक्ट उन्हें ये बताता है कि मैं पिता की ओर से आया और अब पिता के पास फिर से जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़्यादा समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात, प्रभु एक बड़ी तसल्ली की बात उनसे कहकर जाता है। हालेलुया। कि तुम मुझे अपने बीच में नहीं पाओगे, फिर भी जब भी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पिता तुम्हारे लिए वो करेगा। और मुझे उसकी एक 32:33 आयत बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे 32वें आयत में हम देखते हैं वो कहता है कि देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुँची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह इस बात को जानता था कि उसको किसने जगत में भेजा है, और वो इस बात को भी जानता था कि जिसने उसे उस जगत में भेजा है वो हमेशा हर घड़ी हर हाल में उसके साथ है। यू नो प्रियो, हमारे भी कई अपने प्रिय लोग हो सकता है
ये जिस प्रकार से वचन में लिखा है, वे तितर बितर हो जाएंगे, वो हमें छोड़ देंगे, अपने अपनी अपने अपने मार्ग को पकड़ लेंगे। हालेलुया, दे विल गो देयर ओन वे, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि उसका समय आ गया कि जब सब तितर बितर हो जाएंगे, चेले भी उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक बात उसे जो तसल्ली देती थी वो ये थी कि उसका पिता उसे कभी अकेला न छोड़ेगा। और प्रियो, इसी प्रकार से जब मुझे भी कई बार मैं सोचती हूँ कि कोई आसपास नहीं है समझने को, या जब मैं अकेली महसूस करती हूँ कई बार, तो इस बात ये वचन मुझे बहुत तसल्ली देता है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है संसार में कई लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, अपने प्रिय हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी तसल्ली की बात यह है कि यीशु मसीह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी अकेला ना छोड़ेगा। और बहुत अच्छी बात आगे की आयत में वो लिखता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रियो, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु में ही शांति मिल सकती है। ये बात यीशु जानता था, इसलिए वो चेलों से कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, और कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता, और कहीं तुम्हें तसल्ली नहीं मिल सकती, केवल तुम मुझ में शांति और तसल्ली पा सकते हो। और वहाँ पर वो कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परमेश्वर कहता है तकलीफ तो होगी, मुसीबतें तो आएगी, क्लेश तो होगा, लेकिन वो दुख थोड़े समय का होगा। हालेलुया, वो खुशी में तब्दील हो जाएगा। क्यों पता है? कि परमेश्वर ने ऐसी योजना हमारे लिए रखी है, क्योंकि आगे की लाइन में लिखा है, परंतु ढाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। टेक हार्ट, हालेलुया, बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। कितनी सुंदर बात यीशु कहता है कि उसने संसार को जीत लिया है। जिस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, जिस संसार में तुम्हें तकलीफ होती है, जिस संसार में लोग तुम्हें तनहा छोड़ के चले जाते हैं, जिस संसार में लोग तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझ पाते, वहाँ पर भी हमारा परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, उसकी बातें हमें तसल्ली देती है। वो कहता है कि ढांढस बांधो, टेक करेज, हालेलुया, टेक योर हार्ट, तुम्हारे दिल में कभी शंका न हो। जैसे भजनकार ने कहा है, भजन संहिता 94 में जैसे उसने कहा है कि डाउट्स तो मेरे माइंड में आते हैं, लेकिन उसका कंफर्ट मुझे एक रिन्यूड होप एंड चीयर देता है, मुझे चीयर कर देता है, मुझे खुश कर देता है, मेरी जान को उसकी जो तसल्ली है वो खुश कर देती है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। और हम उसके बाद देखते हैं, रोमियो में भी इसी प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर, आमेन, हालेलुया। आइए उस आयत को देखेंगे, रोमियो 15:13 में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर, हालेलुया, जो कि सारी खुशी और शांति का दाता है, हालेलुया, जब तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो होने पाए कि वो जो आशा है वो तुम्हारे जीवन में ओवरफ्लो करे, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो आशा कभी ना टूटने पाए। वो प्रार्थना है कि परमेश्वर का वो जो खुशी और शांति के द्वारा, हालेलुया, वो आशा, हालेलुया, वो खुशी ओवरफ्लो करे, कभी भी आप गम में ना रहो, दुखी ना रहो, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो आशा ओवरफ्लो करे, और न सिर्फ आपके अंदर ओवरफ्लो करे लेकिन वो दूसरों तक भी पहुंचने पाए, हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 1:3-4 में बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति होती रहे, प्रेज बी टू गॉड and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. सारी कंफर्ट का परमेश्वर, उसका दाता, उसका पिता, हालेलुया, वो हमें सारे ट्रबल्स में, सारी परेशानियों में, तकलीफ में हमें कंफर्ट करने पाए। पता है क्यों कंफर्ट करें? कि हम दूसरे जो उस परेशानियों में हैं, उन तकलीफों में हैं,
उनके लिए भी एक तसल्ली बन जाए। परमेश्वर न सिर्फ ये चाहता है कि हम उससे तसल्ली पाए, लेकिन उसकी वो वचन में हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो ही तसल्ली हम लेकर दूसरों तक भी उस तसल्ली को पहुंचा सके। प्रियो, आज की रात एक जस्ट आपको एक थॉट आपके मन में डालना चाहती हूँ। क्या हर दिन आप परमेश्वर की उस तसल्ली को पाते हैं? क्या उस खुशी को आप अनुभव करने पाते हैं? तकलीफ तो होती है प्रियो, कई सारी बातें हमारे आशा के कि जैसे नहीं होती, जैसे हमने आशा की वैसे नहीं होती, हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या हम परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर में खुश होने पाते हैं? क्या हम उस तसल्ली को लेने पाते हैं? इसलिए कि हम वो तसल्ली को पाकर दूसरों को भी जो उस निराशा में है, उस तकलीफ में है, वो तसल्ली को बांटने पाए। हालेलुया, क्यों ना आज की रात हम प्रभु से कहने पाए कि हाँ प्रभु, तुम्हारी शिफा है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी ताकत है। हालेलुया, और हर दिन हम तुझ में सुकून पाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तेरे उस वायदे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तू सच्चा खुदा है, अपने वायदे को पूरा करने वाला, और मेरे जीवन में भी आने वाले समय में तू एक एक वायदे को पूरा करेगा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। जितने लोग देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए समय प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्रभु हर एक को अपनी तसल्ली से भरे, अपने सुकून से, अपने खुशी से भरे, कि वो खुशी ओवरफ्लो करे। हालेलुया, हमेशा उम्मीद बनी रहे, कभी भी आशा टूटने ना पाए। प्रभु बहुत ऐसे स्ट्रेंथ दे, हालेलुया, हमारे हृदय को दृढ़ करे, हमारे मन को दृढ़ करे। हालेलुया, हर एक दिन हम उसके उससे बल पाने पाए, नया बल, नई उम्मीद। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। टच ईच एंड एवरी वन एंड फिल देम विथ योर कम्फर्ट एंड जॉय लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless each and everyone in your mighty name. Tere naam se har ek ko bless karte hain, unke parivar ko bless karte hain, unke parivaron mein Prabhu blessings ko bolte hain Yeshu ke naam se. Hallelujah. Shanti ko bolte hain, khushhali ko bolte hain Prabhu, aur health ko, prosperity ko bolte hain. Amen. Kyunki tera vaada hai, tere vachan mein tune Prabhu हमारे लिए प्रॉमिसेस को रख छोड़ा है। हालेलुया, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए ज्योति पाते हैं यीशु। आमेन, हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु इस पेज को आप ब्लेस करिए, हर एक को आप ब्लेस करिए, जो भी इसके साथ जुड़े हैं, सबको बहुत ऐसे आप ब्लेस करिएगा। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आने वाले समय में आप सारे सेशंस में आप बने रहिए, आप जुड़िए और शेयर कीजिए, और विशेषकर 31st को मैं एक स्पेशल इवेंट को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप सब उसके लिए प्रार्थना करिएगा, और उम्मीद करते हैं प्रभु बहुत ऐसे आपको ब्लेस करेगा और इसी प्रकार से आप प्रभु में आनंदित रहने पाएंगे। हालेलुया, मैं गॉड ब्लेस यू।